दीपक, हमारा बेड हवा में उड़ता जा रहा है बीना जी। कहीं हम दोनों स्वर्गवासी तो नहीं हो गए? और हमारी आत्माएं बेड पर लेटकर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान तो नहीं कर रही हैं? लेकिन हम जा के पक्का स्वर्ग में ही जा रहे हैं ना, नरक में तो नहीं? अब ये तो ऑन अराइवल ही पता चलेगा बीना जी, अभी कैसे बोल सकता हूँ। हाँ, लेकिन ये यमराज हमें बिस्तर के साथ क्यों उड़ा के लेके जा रहा है? वहाँ पे बेड्स नहीं होते क्या? वहाँ पर बेड कैसे होंगे बीना जी, स्वर्ग में तो सब लोग बादलों पर ही सोते होंगे ना। बादलों पे सोना, प्लीज मुझे भी सो सके ना, बादल भी सोना। अच्छा, ओ, आ रहा, आ रहा, आ रहा, आ रहा, आ रहा, आ रहा, आ रहा। प्लीज प्लीज यमराज से कहिए ना कि वहाँ हमें बादलों पे सोना है, उस बिस्तर को छोड़ छोड़ के छोड़ दे और सिर्फ हमें ले लेके ले जाए। बोलिए ना उसे, प्लीज बोलिए ना। देखता हूँ इधर ही किधर होगा। अरे यमराज जी। हाय अग्रवाल साहब। हाय। अरे योमैन, तुम योमैन? अग्रवाल साहब, मैं यमराज नहीं योमैन हूँ। और हाँ, आप मरे नहीं है, जिंदा है। अरे थैंक गॉड कि हम लोग जिंदा हैं। अरे क्या थैंक गॉड, हम जिंदा हैं अग्रवाल साहब, हम जिंदा हैं और ऐसे उड़ उड़ के आसमान में जा रहे हैं। इट्स वेरी डेंजरस यू सी, अरे कुछ भी हो सकता है। अग्रवाल साहब, चिंता की कोई बात नहीं है, माना कि सीट बेल्ट नहीं है, आप लोग बेड को टाइट पकड़ सकते हैं। हम लोग कुछ ही देर में मनाली पहुँचने वाले हैं। मनाली? अरे अग्रवाल साहब प्लीज, बोल बोल के कुछ बोलिए ना, मुझे ऐसी हालत में मनाली नहीं जाना। प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे नीचे उतारो, मुझे मनाली नहीं जाना, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, मुझे नहीं जाना। बीना जी, अरे ऐसा करेंगी तो अपने आप नीचे उतर जाएंगी, उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अग्रवाल साहब, बीना जी, आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि कृपा कर हिले डुले नहीं, नहीं तो बैलेंस बिगड़ सकता है। आपको हो रही असुविधा के लिए खेद है। यो मैन, हमको कहीं नहीं जाना भैया। हाँ, प्लीज। हमको हमारी फ्रेंड कॉलोनी पहुंचा दो, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक इतना ही बहुत है आज। हाँ प्लीज, हमें हमारी फ्रेंड्स कॉलोनी में जाना है, प्लीज हमें नीचे उतारो, प्लीज यो मैन। ओके ओके, ठीक है बीना जी। अग्रवाल साहब, आप लोगों से विनती है, कृपा कर हिले डुले नहीं। ओके बैठिए बैठिए बीना। ओके, कौन चला रहा है बस? सॉरी सॉरी, सब सो रहे हैं यार। एक शुद्ध पवित्र आदमी को कूड़ा बना दिया, कूड़ा, क्या हाल कर दिया हमारा। अरे यारो और अमर प्रेम, मैं तो तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी मैं ठोकर दूंगा, तुमको ना हम मिट्टी में मिला देंगे। नहीं 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 नहीं, तुमको हम कूड़े में ठोक करेंगे, क्योंकि हमारा नाम चतुर्वेदी चिंतामणि और उसकी कहन है जिससे हमारी ठनी, तुमको ना इसे उठाऊंगा और ऐसे वाह वाह, हमारी सुसाइड। अग्रवाल साहब, ये कुत्ते के पिल्ले की रोने की आवाज आके कहाँ से आ रही है? वही मैं देख रहा हूँ, कहाँ से आ रही है? टिक टिक के दिख तो नहीं रहा। लगता यहाँ से आ रही है। Ooh!
बॉडी की एक एक हड्डी का कचूमर निकल गया। पता नहीं लोग हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हैं। तो कचरा फेंका गया और ऊपर से ये दर्द। अरे आप तो सुपर हीरो है, आपका क्या कहना। माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि इस बेड के नीचे आप। अरे बहुत दर्द हो रहा है भाई। ओ मिस्टर बदबूदार, अरे आप कौन हैं, किस प्रजाति के हैं, हमारी लैंडिंग के बीच में हमारे बेड के नीचे कैसे आ गए हैं आप? ये पगला गए हैं क्या? ये देखिए। अरे हाँ, मैं चतुर्वेदी चिंता मरी, इस सोसाइटी की सेक्रेटरी, एकदम ठो वाले। हमसे बेकार बातें मत करिए आप। अरे आपका लड़का जो लोमड़ है ना यारो, वो और अमर प्रेम मिलके हमारी ठोकर दिया है। तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पे हमको होश आ गया, नहीं ना जाके किस डंपिंग ग्राउंड में हमको फेंक दिया जाता, कचरा समझ के आग लगा दिया जाता। अरे हम उनको छोड़ेंगे नहीं, अरे हम उनको धो डालेंगे, बता दिया एकदम ठो वाला। अरे पहले जाइए और खुद को धोकर आइए। ठीक है, है? कि ज्यादा हमसे ठो मत करिए, समझे ना? चतुर्वेदी जी, भाभी जी, छोड़ छोड़ के छोड़ दीजिए ना गुस्सा प्लीज। देखिए वो लोग तो बच्चे हैं, आप कहाँ बच्चों के साथ बच्चे हुए जा रहे हैं। भाभी जी आप कहें और हम न माने, ऐसा कभी हुआ है? तो लीजिए, फिलहाल के लिए हम ठो कर देते हैं। चतुर्वेदी जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज यहाँ से जाइए, कम से कम 7-8 बार साबुन से रगड़ के नहाइए तब आइए, जाइए यहाँ से आप। क्या? अरे आप देखते नहीं है वीरन जी को तकलीफ हो रही है आपकी वजह से। भाभी जी आपको तकलीफ हो रही है? अरे हाँ हो रही है। आप चुप रहिए ना, हम भाभी जी से पूछ रहे हैं। भाभी जी आपको तकलीफ हो रही है? होल्ड होल्ड भाभी जी, होल्ड होल्ड होल्ड। ओह गॉड, क्या तो ये। अरे भाई यो मैंने एक बात तो बताओ, ये तुम हम दोनों को मनाली क्यों लेके जा रहे थे? पापा यारो के पापा, यारो ने बताया कि आप अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे मनाली जाना चाहते थे, बस यारो के रिक्वेस्ट पे मैं आपको मनाली पहुंचा रहा था। अच्छा तुम हमको तो कभी मिलते नहीं, तो ये यारो को तुम कब और कहां मिल लेते हो? यारो और मेरा एक स्पेशल कनेक्शन है। आइए बीना जी सोते हैं। मतलब अंदर जाके सोते हैं। तुम्हें कोई हक नहीं है इतना खूबसूरत दिखने का। लेकिन मुझे तो है ना। क्या बात है, क्यों गीता गीता। बेटा प्रेम, हम लोग ना फ्यूचर में करोड़पति बनने वाले हैं। अरे यार तू ये शेख चिली के सपने देखना बंद कर। अरे वो मैं सपने नहीं देख रहा हूँ, हकीकत है हकीकत। ये देख, एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इस साल बहुत गर्मी पड़ने वाली है। अरे माना थोड़ा हॉट लग रहा है, लेकिन इससे गर्मी थोड़ी ना बढ़ जाएगी। मैं मौसम की बात कर रहा हूँ, मौसम में बहुत गर्मी पड़ने वाली है। और बहुत गर्मी पड़ेगी मतलब एसी और फ्रिज के प्राइस बहुत ऊपर आसमान तक पहुंच जाएंगे। हाँ तो हमें एसी और फ्रिज अभी खरीद लेने चाहिए, है ना? करेक्ट। लेकिन हमें एक एक पीस नहीं, हमें ना बहुत सारे पीस खरीद के स्टॉक में रखने चाहिए। यार बहुत सारे क्यों, हमारा काम तो एक एक से ही हो जाएगा। यार कितना टफर है यार तू। यार देख, जब गर्मी बढ़ेगी ना तब एसी और फ्रिज के प्राइस भी बढ़ जाएंगे। अभी हम लोग सस्ते में खरीद लेंगे और बढ़ने के बाद उसे डबल प्राइस में भेजेंगे। अरे यार तेरा बिजनेस सेंस कहाँ है? अरे वाह यार अमर, कितना अच्छा दिमाग चलता है यार तेरा इन कामों में। थैंक यू। लेकिन यार लाखों कमाने से पहले हमें लाखों इन्वेस्ट भी तो करने पड़ेंगे।
हुई माँ चतुर्वेदी जी, लगता है मोया कल का बदला लेने आया। हाय हाय मेरी डार्लिंग, अब भाई ना तू कैरेक्टर में, अब देखना कैसे एक तीर से दो पंची मारता हूँ मैं। दरवाजा खोल बेटा अमर। अरे मार मार के तुझे मैं मार दूंगा। अब प्रेम रेम रेम तुम्हारा राम राम सत्य कर दूंगा। दरवाजा खोल, चलते यार चल। खोल दरवाजा। आइए अब ये क्या ठो है भाई? हाय राम, ये कौन है? अब कौन है जी? हम हैं चतुर्वेदी चिंतामणि, इस सोसाइटी के ठो। वैसे हम बड़े वो हैं। मालूम है क्या मतलब? देखने से ही लगता है कि आप इस सोसाइटी के बहुत बड़े वाले वो हैं। नॉटी बॉय। इतना नॉटी नॉटी मत कीजिए, हमको बहुत ठो होता है। वैसे आप दोनों कौन हैं? ये अमर की मम्मी और ये प्रेम की मम्मी। अच्छा जी है? अरे आप दोनों ना बड़ी नौजवान मम्मियां हैं। आपकी त्वचा देख के ना आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता, एकदम ठो। वो तो आपकी नजरें कमजोर हैं इसके लिए आप ये कह रहे हैं क्या? अरे छोड़िए छोड़िए ये सब, अब ये बताइए आप हमारे बच्चों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं हमेशा? अरे ये तो हम तब बताएंगे ना जब वो दोनों हमारे सामने आएंगे ना, हम तभी बताएंगे। जाइए अब हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। अरे मम्मियों आप ना बड़ी नॉटी बॉय। आप ना फूले फाले मर्द को बॉय बोल के फुसला रही हैं। आपको देख ना हमारा मन कहता है कि आप जैसी धाकड़ मम्मियों के होते हुए आपके बच्चे कभी बिगड़ भी सकते हैं। वो क्या है ना, वो बड़े बिगड़ गए हैं लेकिन जल्दी सुधर जाएंगे जी। नया बिजनेस जो शुरू हो रहा है जी, उस बिजनेस से वो लाखों कमाने वाले हैं जी। क्या लाखों? हाँ जी, इसीलिए तो हम दोनों को गांव से बुलाया है पैसे गिनने के लिए। लेकिन चतुर्वेदी जी आपको पता है मैं ना अभी से ही थक गई। लेकिन क्यों? आपको पता है कि उन दोनों ने मिलके वाव कितना अच्छा बिजनेस प्लान बनाया है। कौन सा बिजनेस प्लान? देखिए सर्दियों का सीजन चल रहा है। हाँ। अब वो एसी और फ्रिज खरीदेंगे सस्ते भाव में, और जैसे ही गर्मियों का सीजन शुरू हो जाएगा दाम बढ़ जाएंगे, फिर वो डबल भाव में बेचेंगे। अरे अरे ये तो बड़ा ठो बिजनेस हुआ भाई। वो तो है लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमारे बच्चों के बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला कोई नहीं मिल रहा। अब नो इन्वेस्टमेंट नो बिजनेस। वैसे उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा? दस। बस? हाँ सिर्फ 10 लाख। तो समझो इन्वेस्टमेंट हो गया। अरे हम अकेले ही कर देंगे भाई। अरे उनसे कहो जल्दी से एसी और फ्रिज खरीदे। आप बड़े क्यूट हैं जी। यारो तू मुझे कहाँ ले आया? मनाली। इतनी ठंड लग रही है। ठंड तो लगेगी ना क्योंकि इतनी बर्फ जो गिर रही है। डाली यारो ने फ्लैक्स लगा दिया। यस। तील ठोक दी। यस। और
एसी का टेम्परेचर मिनिमम कर दिया। कैसा लग रहा है? बहुत ठंडा ठंडा मनाली मनाली लग रहा है यारो। छुपो छुपो। अबे दरवाजा कौन खोलेगा? यारो ही खोलेगा। करेक्ट। अरे लेकिन वो जो पैकेट वहां पे था उसमें आपने डाला? बॉटल तो है लेकिन पैकेट बिना जी मैंने इसी में डाला। यारो डॉली ये क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? बड़ा सरप्राइज। मम्मी पापा आप दोनों अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाली में मनाना चाहते थे ना? देखो यारो ने घर में ही मनाली बना दिया। ये हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। कितना अच्छा सरप्राइज दिया दोनों ने। यारो डॉली भाई तुम दोनों ने दिल खुश कर दिया। थैंक यू सो मच। रियली थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। पार्टी चाहिए। पार्टी पार्टी। ये पार्टी अब कहाँ? मतलब पार्टी? अरे कह कह के ठीक ही तो कह रहे हैं बेचारे। अब पार्टी तो बनती है ना अग्रवाल साहब? यस। चलो अगर ये बात है तो फिर आज शाम को बिल्डिंग के कंपाउंड में पार्टी करते हैं। यारो डॉली तुम दोनों अपने करीबी दोस्तों को बुला लो। लेट्स हैव अ पार्टी। पार्टी तो बनती है। इतनी ठंड फैलाऊंगा, इतनी बर्फ गिराऊंगा कि पूरे मुंबई का खून जमकर बर्फ हो जाएगा। और इस बार मेरे वार से मुंबई वासियों को कोई नहीं बचा सकता। यो मैन इनफैक्ट तो खुद मेरे वार से नहीं बच सकेगा। जिस तरह वाटर सीडिंग करके पानी बरसाया जाता है उसी तरह स्नो सीडिंग करके मैं मुंबई के कोने कोने को बर्फ से ढक दूंगा। जब चाहूं तब मुंबई का टेम्परेचर माइनस में पहुंचा सकता हूं। अब तक गर्मी झेलते थे ना, अब ठंड से मरेंगे सबके सब। और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज रात को देखना इस स्नो स्टॉर्म मशीन का कमाल। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.